नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से, मैं केतकी। जो सपनों की ताकत में यकीन रखते हैं, विश्वास मानिए दुनिया जीतने का मादा रखते हैं। BBMKU ने PG विभाग के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी। एक के बाद एक बहुत सारे टॉपर्स पहुंच रहे हैं विश्वविद्यालय, लगातार शिक्षकों से आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सपना गुप्ता, इकोनॉमिक्स की टॉपर। टॉपर्स टॉप की श्रृंखला में एक और टॉपर जो कोयलांचल का नूर है, उससे आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सीख सकते हैं आप सपना से। सबसे पहले सपना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सपना, आप सबसे पहले तो ये बताएं, धनबाद में कहाँ रहती हैं और कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई आपकी? जी, मैं झरिया में राजबाड़ी रोड वहाँ रहती हूँ। okay. और मैंने अपना स्कूलिंग किड्स गार्डन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है और ग्रेजुएशन मैंने गुरु नानक कॉलेज से किया और मास्टर्स भी यहाँ से मास्टर्स किया आपने। अच्छा, तो बहन भाई और कोई है या अकेली? नहीं नहीं, बिल्कुल दो बहन एक भाई है। एक भाई है। आप किस नंबर पर आती हैं? जी, मैं पहले नंबर पर आती हूँ। बड़ी बहन? हाँ, एग्जैक्टली। तो जिम्मेवारियाँ ज़्यादा होंगी? या ऑफकोर्स। ओके सपना, एक बात बताइएगा, पहले आपने सोचा था जब यहाँ एडमिशन लिया था या सेमेस्टर, क्योंकि 4 सेमेस्टर्स होते हैं, उस दौरान कभी लगा कि मतलब मैं ही टॉप करूँगी या मतलब टक्कर काटे की थी कुछ है? बहुत लोग होते हैं जो गैप के साथ चल रहे होते हैं, बहुत लोग में 2-3 नंबरों का अंतर होता है। आपके लिए कैसा रहा सपना? नहीं, मुझे लगा था कि मैं टॉप करूँगी, मुझे विश्वास था। विश्वास था? एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। ओके सपना, एक बात और, इकोनॉमिक्स को आपने चुना है PG के लिए, आगे क्या करने का इरादा है? एक्चुअली मेरा एम है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ। ओके, मतलब PhD करेंगी? हाँ बिल्कुल, PhD करेंगी। अच्छा सपना, एक बात और बताएं, घर का माहौल कैसा है? क्योंकि पढ़ाई जो होती है बड़ी शांति की बात होती है, काफ़ी लोग कंसंट्रेशन चाहिए होता है, इसलिए हल्ला नहीं होना चाहिए। तो क्या सारे भाई बहन पढ़ने वाले हैं या कोई डिस्टर्बेंस होती थी? नहीं नहीं, मेरे भाई बहन पढ़ने वाले ही हैं, स्टूडियस ही हैं सब। हाँ ओके, तो ये प्राउड मोमेंट है, कैसा रिएक्शंस रहा सबका, लोगों ने क्या क्या कहा? मेरे घर में तो सभी लोग खुश है, रिलेटिव्स भी खुश है, आई मीन सबको ही खुश है, सबको ही खुश। बहुत अच्छा माहौल। पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, ही रियली एनकरेज मी। ओके, और मम्मी ने? मम्मी ने कहा अरे वाह, हम तो खुश हो गए। ओके ग्रेट। तो भाई बहनों पे क्या लगता है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया है क्योंकि आप तो टॉप वो भी करे ऐसा उनको लगता होगा? नहीं नहीं, मेरे भाई बहन खुद ही टॉपर है तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सीख जाए। हाँ बिल्कुल। ओके ग्रेट। अच्छा सपना, एक बात, BBMKU में आपने पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स से, बहुत से लोग जो हैं जब बाहर जाते हैं, झारखंड के बाहर जाते हैं, तो उन्हें लगता है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बड़ी आसान होती है, मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसे कठिन माना जाता है, और जनरल जो लोग डिग्री करते हैं उसे आसान माना जाता है। आप क्या सोचती? आई डोंट थिंक कि सब कुछ भी मतलब कि हार्ड होता है, आसान सब कुछ ही होता है, बस यही है कि आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें तो सब कुछ ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ओके, एक और बात, कोयलांचल में पर्टिकुलरली इस तरफ के जितने बच्चे हैं, बहुत सारे लोग गेस पेपर्स का सहारा लेते हैं और कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है गेस पेपर से पढ़ना ठीक है या बुक्स से पढ़ना चाहिए? मैं खुद बोलूँ तो मैंने आज तक कभी गेस पेपर छुआ तक नहीं, कभी उसका हिंट तक नहीं लिया, मैंने जो पढ़ा बुक से पढ़ा और टीचर्स के गाइडेंस में, नथिंग एल्स। ओके, तो मतलब गेस पेपर से पढ़ना चाहिए? नहीं बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता है, नहीं, नेवर। ओके ग्रेट। अच्छा एक बात और, 2 सालों तक आप यहाँ रहीं, कैसा लगा विश्वविद्यालय आप? बहुत अच्छा लगा, कब टाइम बीत गया पता नहीं चला, बहुत ही मेमोरेबल था, जो था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे माता पिता एकदम बिल्कुल, और मेरे भाई बहन और मेरी कुछ सहेलियाँ। ओके, सहेलियों का नाम भी बताइए। सबसे पहले आकांक्षा, फिर पिंकी। ओके, उन्होंने हेल्प किया। यस, तो आमतौर पे माना जाता है, मतलब वो क्लासमेट थी आपकी क्या? नहीं नहीं, क्लासमेट्स नहीं थी, वो मेरी ऐसी जनरल फ्रेंड थी। ओके, तो उन्होंने हेल्प की? हाँ, मतलब मोटिवेट करती थी आपको? मोटिवेशन का काम किया उन लोगों, मोटिवेशन एनकरेजमेंट, वही। अच्छा, एक बड़ी बात आजकल होती है अच्छा करने का प्रेशर,
हर स्टूडेंट के ऊपर होता है, आइदर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हों या फिर जनरल पढ़ाई कर रहे हों, अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए थ्योरी क्या है? हाँ, अच्छा करने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपका हो सकता है कि हम जिस स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हैं वो है कि कंटेंट रिवीजन एंड PYQ, दैट्स इट। ओके ग्रेट, मतलब शॉर्टकट वाला एकदम, मतलब फार्मूला शॉर्टकट है लेकिन शॉर्टकट रास्ता नहीं है। नहीं, वो रास्ता नहीं है, वो रिविजन जो है वो तो थोड़ा आपको कड़वा लगेगा लेकिन रिविजन करना है, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिविजन करते रहिए और रोज़ कंसिस्टेंट होकर पढ़ते रहिए और PYQs लगाइए, दैट्स इट। ओके ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा भी आप और एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करती हैं क्या, या जस्ट मतलब सिंपल फंडा है कि मुझे बस असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए? जी नहीं, मेरा बस एक ही सिंगल माइंडेड गोल है कि UGC नेट JRF क्लियर करना है, अच्छा प्रोफेसर बनना, दैट्स। ओके, वन मोर थिंग, पढ़ने के लिए क्या कभी आपने घंटे डिसाइड किए क्या कि मुझे 5 घंटे ही पढ़ने हैं, शेड्यूल क्या रहता था? मैं घंटे डिसाइड तो नहीं करती थी, बट आई यूज़ टू सेट द टारगेट्स, टारगेट्स के हिसाब से। तो कैसे टारगेट्स तय करती थी? जैसे कि मैं एक कॉपी लेती थी, उसमें अपने टारगेट्स को लिख देती थी। okay. और फिर जब वो टारगेट्स कंप्लीट हो जाते तो वहाँ पे टिक करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो वैसे ही मैंने एग्ज़ाम का ही प्रिपेयर किया, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पहले से पढ़ते आए थे, एग्ज़ाम के एक दिन एक महीना पहले पढ़ते थे, फिर वो एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाता है। सेमेस्टर से एग्ज़ाम ईजी ही होते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, एक और सवाल, क्या कहना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं? जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डू नॉट लेट योर मॉरल डाउन एंड प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, दैट्स। ओके, सुना आपने सपना को, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने जर्नी को समेटा है, लेकिन उनकी जर्नी भी उतनी ही खास है जितनी और सारे टॉपर्स की। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की या फिर UPSC की, हर कोर्स में एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए आप सफलता पा सकते हैं। सपना ने आज अपनी कहानी शेयर की हमारे साथ और आपके साथ, और अपडेट्स हम लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।